हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जोयास न्यूट्री लाइफ। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स को कैसे रिमूव करना है। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाना है। यहाँ पर मैंने एक ग्लास पानी ले लिया है। पानी को अच्छी तरह से गर्म कर लीजिए। यहाँ पर मैंने टॉवल ले लिया है। आप चाहे तो रुमाल या फिर कॉटन यूज कर सकते हैं। आप टॉवल को पानी में डिप कर लीजिए और एक्सेस पानी निकाल दीजिए। इसी तरह से आप लोग अफेक्टेड एरिया पर गर्म पानी का स्टीम करिए। 5 मिनट्स तक स्टीम करिए। 5 मिनट्स के बाद एक एम्प्टी बॉल ले लीजिए। हाफ स्पून हल्दी डालिए। हल्दी यूज करने से ये आपके ब्लैक हेड्स को रिमूव कर देगा। 1 स्पून चावल का आटा ऐड करिए। चावल का आटा यानी राइस फ्लोर। चावल का आटा यूज करने से ब्लैक हेड्स, एक्ने, पिंपल्स को रिमूव कर देगा। 1 स्पून लेमन जूस ऐड करिए। लेमन जूस हेल्प करता है क्लॉटेड पोर्स ओपन करने में। हाफ स्पून हनी ऐड करिए। हनी आपके स्किन को मॉइस्चराइज करता है नेचुरली। सारे इंग्रेडिएंट्स को आप अच्छी तरह से मिक्स करिए। थोड़ा थोड़ा करके लेमन जूस ऐड करते जाइए ताकि वो पेस्ट बनता जाए। थिक कंसिस्टेंसी होने चाहिए। इसी तरह थिक कंसिस्टेंसी होने के बाद लेमन जूस मत ऐड करिए। जैसे मैं अप्लाई कर रही हूँ, आप इसी तरह से अफेक्टेड एरिया पर अप्लाई करिए। अफेक्टेड एरिया पर आप उसे अच्छी तरह से मसाज करिए ताकि पूरे ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स निकल जाए। 10 टू 15 मिनट्स तक रखिए। नॉर्मल वाटर से वॉश करिए। वीक में 2 बार अप्लाई करिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड हिट द बेल आइकन टू गेट नोटिफाइड फॉर माई न्यू वीडियोज़।